लॉकडाउन जारी रहने संबंधी भारत सरकार द्वारा जारी निर्देश के क्रम में मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन द्वारा दिशा निर्देशों का अनुपालन जिला मजिस्ट्रेट के द्वारा स्थानीय स्तर पर दुकानों प्रतिष्ठानों के खोलने संचालित करने के संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश निर्गत किए गए थे। जिला मजिस्ट्रेट ने पूर्व के आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए जनपद के दुकानों प्रतिष्ठानों को खोलने संचालित करने की अनुमति प्रदान की है, जिसके क्रम में सैलून ब्यूटी पार्लर की दुकान इस शर्त के साथ खोले जाए कि सोशल डिस्टेंसिंग एवं प्रवेश द्वार पर सैनिटाइजर की व्यवस्था, कार्य करने वाले कारीगर एवं स्टाफ द्वारा कार्य करने के दौरान फेस शील्ड, फेस मास्क, फेस कवर, ग्लव्स का प्रयोग अनिवार्य रूप से किया जाए। यदि कपड़े का प्रयोग होता है तो एक बार ही प्रयोग किया जाए या डिस्पोजल कपड़ा सामग्री का प्रयोग किया जाए। उक्त की खुलने के समय पूर्वाह्न 7 बजे से अपराह्न 7 बजे तक तथा सोमवार, बुधवार, शुक्रवार एवं रविवार का दिन निर्धारित किया गया है। इसी के प्रकार ट्रेवल एजेंसी, रेल टिकट, हवाई टिकट, वाहन बुकिंग, वाहन की बुकिंग इस शर्त के साथ कि निर्धारित सीट क्षमता के अनुसार ही सवारी यात्री बैठाई जाए। वाहनों के समस्त यात्री सवारी को फेस मास्क, फेस कवर पहनना अनिवार्य होगा। वाहनों को सैनिटाइज अवश्य करें। इसके लिए निर्धारित समय पूर्वाह्न 7 बजे से साय 7 बजे तक प्रतिदिन है। खेल परिसर एवं स्टेडियम हेतु निर्धारित समय पूर्वाह्न 6 बजे से 10 बजे तक तथा साय 5 बजे से 7 बजे तक प्रतिदिन रविवार अवकाश निर्धारित है। सभी खिलाड़ी अपने परिचय पत्र के साथ खेल परिसर में स्टेडियम में सोशल डिस्टेंसिंग के साथ प्रवेश करेंगे। दर्शकों का प्रवेश वर्जित रहेगा। जिला मजिस्ट्रेट ने बताया कि उपरोक्त दुकानें प्रतिष्ठान निर्धारित समय अवधि के अनुसार खोलने की अनुमति विभिन्न शर्तों के साथ प्रदान की जाती है कि दुकानों पर सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन, फेस कवर, फेस मास्क, ग्लव्स का प्रयोग करना होगा एवं दुकान में सैनिटाइजर की व्यवस्था करनी होगी। जिला मजिस्ट्रेट ने यह भी निर्देश दिया कि दुकान को दिन में एक बार सैनिटाइज, सफाई, सोडियम हाइपोक्लोराइड के साथ 1% घोल, ब्लीचिंग पाउडर के 3% घोल से कराया जाए। दुकानदार प्रतिष्ठान के प्रबंधक द्वारा बुखार, सर्दी, खांसी के लक्षण वाले ग्राहकों, क्रमिकों को प्रवेश निषिद्ध किया जाएगा।